यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। कंगना रनावत के केस में आज एक नया अपडेट आया है और मुझे लगा कि वो पूरे देश को अपडेट होना चाहिए। कंगना रनावत की जो पिटीशन ऑनरेबल हाईकोर्ट में पड़ी थी, उस पिटीशन में उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, चूँकि हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया था उनके बैंगलों को तोड़ने के लिए, लेकिन स्टे का ऑर्डर कम्युनिकेट होता उससे पहले बैंगलो तोड़ दिया गया था। तो उस स्टे ऑर्डर पर हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन कंगना रनावत ने लगाई थी उस समय, और उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया था कि वी वॉन्ट टू अमेंड द पिटीशन। तो उन्होंने जो पिटीशन अमेंड करने की एप्लीकेशन दी थी उसको हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया, और अलाउ करने के बाद जो उन्होंने उसमें अमेंडमेंट किया है उसके दो पहलू हैं। एक तो उन्होंने कहा कि नथिंग वॉज रॉन्ग इन द रिपेयरिंग, क्योंकि 2018 को जब उन्होंने ये बैंगलोर ख़रीदा था तो ख़रीदते समय उन्होंने उस समय की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ब्रहन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को एक एप्लीकेशन किया था। उन्होंने उसमें लिखा था कि बिल्डिंग 42 साल चूँकि पुरानी है और उसमें एक स्ट्रक्चरल चेंज की आवश्यकता है, इसलिए मैं स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट की डायरेक्शन में उसको कंस्ट्रक्ट करवाना चाहती हूँ। उन्होंने उसमें पिटीशन में ये भी कहा कि ये C2B कैटेगरी की बिल्डिंग है और बिल्डिंग गुड कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में नहीं है, इसलिए उसमें कंस्ट्रक्चरल चेंज करने की आवश्यकता है, आप हमें अनुमति दें ताकि हम उसको कंस्ट्रक्चरल चेंज कर सकें। MCGM मतलब ब्रहन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को उन्होंने लिखा था कि सेक्शन 342 म्यूनिसिपल, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के सेक्शन 342 के तहत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उनको रिप्लाई दिया। हालांकि उन्होंने जब एप्लीकेशन लगाई, ऐसा उन्होंने इस अमेंडमेंट में लिखा है, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी तब उन्होंने उसमें लिखा था कि आप इसका एक सर्वे कर लीजिए, सर्वे करने के बाद स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट की डायरेक्शन में इसको मैं रिपेयर करवाऊंगी, इसको दोबारा स्ट्रक्चर करवाऊंगी, और दोबारा स्ट्रक्चर करवाने के बाद इसमें फिर से आप एक बार सर्वे करिए ताकि इसमें राइट टू लिव, राइट टू यूज़ द प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया जा सके। उस एप्लीकेशन के जवाब में उस समय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उनको कहा था कि वॉट एवर द स्ट्रक्चरल चेंजेस यू वॉन्ट टू डू, नो नीड टू गेट द परमिशन फॉर दैट। और ये कहा था जो भी तुमने लिखा है इसमें कि वो इस प्रकार के स्ट्रक्चरल चेंजेस करवाना चाहती हो, उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है, और इतना रिपेयर आप करवा सकती हैं, टेनेंटेबल वर्ड इस्तेमाल किया था, टेनेंटेबल स्ट्रक्चर कैन बी चेंज्ड वॉट एवर यू आर डिमांडिंग टू गेट द सर्वे फ्रॉम द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उस समय उस स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरल चेंज के लिए सर्वे करने से मना कर दिया था। हालांकि कंगना रनावत ने दूसरी लेटर भी प्रस्तुत किया है कोर्ट के सामने, और उन्होंने कहा कि जिस समय हमारा ये स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट के डायरेक्शन पर दोबारा स्ट्रक्चर बना था, हमने फिर से पूरा नक्शा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जमा किया था और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया था। इसके बावजूद जब 2018 में इस तरह का ऑर्डर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कर दिया था, अनुमति दे दी थी, उन्होंने बाकायदा डेट वाइज वो लेटर्स लगाए हैं कि किस किस तारीख को क्या क्या गतिविधि हुई, इसमें उन्होंने कहा कि जब अभी मतलब ये जो सारा प्रकरण म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चल रहा था या शिवसेना के साथ जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, मुंबई को POK उन्होंने बोल दिया था, ऐसे सब में उन्होंने कहा कि व्हेन द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नोटिस्ड मी तो देयर मस्ट बी एन फेयर अपॉर्चुनिटी टू गिव द आंसर। हमको उत्तर देने के लिए फेयर अपॉर्चुनिटी देने की आवश्यकता है, जो लेटर्स पहले हमारा कम्युनिकेशन हुआ है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जो अनुमति ली गई है, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट का जो डायरेक्शन है, और उसके बावजूद जो आपके लेटर्स हैं उनको जवाब देने के लिए कुछ समय तो देना चाहिए। सेक्शन 354 कैपिटल ए मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत तो उन्होंने कहा कि मुझे फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई कि मैं आपको जवाब दे सकती और ये बता सकती कि आखिर मामला क्या था, और मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो बिल्कुल करेक्ट है और आपके डायरेक्शन के अनुसार है, और आपके पास उसकी कॉपिंग की गई है, आपके पास उसका सर्टिफिकेट आपके द्वारा बनाया गया है और आपके द्वारा ये सारा अप्रूवल दिया गया है। चूँकि शिवसेना ये उन्होंने इसमें लगाया है कि सेम रूलिंग पार्टी हु एवर इज़ रूलिंग इन द महाराष्ट्र इज़ ऑल्सो रूलिंग इन द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन,
और वो शिवसेना है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी रूल कर रही है, और चूंकि मुंबई के बारे में उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दिया था, सच्चाई बता दी थी, इसलिए सेम पॉलिटिकल पार्टी की चूंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी उनका ही रूल है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर हमारी बिल्डिंग को डेमोलिश किया और शाम को नोटिस चस्पा किया और सुबह गिरा दिया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, हालांकि मेरा अपना विचार है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इतना फास्ट काम कर रहा है, मुंबई खासतौर से बीएमसी इतनी तेज काम करती है, ये तो सपने में भी सोचा ही नहीं जा सकता, क्योंकि अब ना तो मुंबई में पानी भरेगा, ना ही मुंबई में पुराने स्ट्रक्चर गिरेंगे, ना ही मुंबई की चालों में कोई समस्या आएगी, ना मुंबई के पुलों में कोई समस्या आएगी, ना उनके ओवर ब्रिजेस में कोई समस्या आएगी, ना उनके नाली नालों में समस्या आएगी, क्योंकि बीएमसी बहुत मुस्तैद है, जैसे ही उनके संज्ञान में कोई बात आती है और वैसे ही वो उस पर एक्टिव हो जाते हैं। मेरा मानना है कि जो कंगना रनावत ने 2 करोड़ रुपये का जुर्म हर्जाना मांगा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, वो कम है, और ये हैरेसमेंट जो उन्होंने कहा कि हमारी प्रॉपर्टी में अप्रॉक्स 40% डेमोलिशन कर दिया गया है, और उस 40% डेमोलिशन में जो मूवेबल प्रॉपर्टियां थी, मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जैसे सीनरीज लगी हुई हैं, कुछ गमले रखे हुए हैं, कुछ पॉट्स रखे हुए हैं, सोफा सेट पड़ा हुआ है, या और जो मूवेबल प्रॉपर्टी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी पूरी डिस्ट्रॉय कर दी, मतलब उससे भी स्ट्रक्चरल चेंजेस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लग रहा था कि सोफा यहाँ क्यों पड़ा है, सोफे में ये टेबल यहाँ पर क्यों पड़ी है और क्यों नहीं पड़ी है। तो उन्होंने कहा कि भाई इमोबाइल प्रॉपर्टी के अलावा मोबाइल प्रॉपर्टी का भी पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा कर दिया गया है, इसलिए 2 करोड़ रुपये का, बड़ी ईमानदार व्यक्ति हैं वो, उन्होंने 2 करोड़ रुपये का दावा किया है कि 2 करोड़ रुपये हमें डैमेज के रूप में दिया जाए, जो एक्चुअल खर्चा है। मेरा मानना है कि 2 करोड़ रुपए केवल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से नहीं निकलना चाहिए, द पर्सन बिहाइंड इट, जो भी व्यक्ति उसके पीछे हो, जैसे दंगा नियंत्रण कानून के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून पास किया था और उन्होंने कहा था कि जिस व्यक्ति के द्वारा ये किया जाएगा वो क्रिमिनल एक्टिविटी के साथ साथ विल हैव टू पे द डैमेजेस, जो भी मिसचीफ किया गया है उनके, उस व्यक्ति के द्वारा वो भरपाई की जाएगी जिस व्यक्ति ने वो डैमेज किया है, और उसके साथ उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी मिसचीफ का केस आईपीसी का वो चलेगा। इन द सेम मैनर आई वांट टू से टू द कंगना रनावत दैट शी आल्सो हैज टू क्लेम टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हु हैव मेड एन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी, जिसने ये प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर किया है, उस व्यक्ति से भी वसूली होनी चाहिए, एंड हु एवर having the mal administration या whoever had did so by the bad intention or with the evil intention must be go behind the bars। तो इसमें कंगना रनावत की केवल प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हुई है, दैट इज एन ऑल्सो केस ऑफ द हैरेसमेंट, दैट इज ऑल्सो केस ऑफ द डिफेमेशन, दैट इज ऑल्सो केस ऑफ मैल जस्टिस या मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ये बहुत सारे मामलों का वो केस बनता है। इसलिए कंगना रनावत के 2 करोड़ रुपए का क्लेम मेरी नज़र में कम है, और उन्होंने जिस प्रकार से कोर्ट के सामने ये रखा और कोर्ट ने अलाउ किया है, नाउ यू कैन अमेंड द पिटीशन एंड वी विल हियर द फुल स्टेटस। मुझे लगता है कि मुंबई कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी प्रमेफेसाए कंगना रनावत से सेटिस्फाइड है। उसका एक और कारण भी हो सकता है कि कोर्ट ने स्टे का ऑर्डर दिया, उससे पहले ही इतना मुस्तैद होकर वो उसको तोड़फोड़ कर चले गए कि कोई शाम को नोटिस चस्पा किया, सुबह कोर्ट खुली होगी, 10 बजे कोर्ट बैठी होगी और अर्जेंट में मेंशनिंग की होगी, मेंशनिंग करने के बाद उस पर अर्जेंट में सुनवाई शुरू की होगी, 1-2 घंटा उसमें लगा होगा, इतने में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सवेरे 9 बजे आई और उसने तोड़फाड़ी की, जब तक कोर्ट का ऑर्डर आया तब तक तोड़फाड़ कर चले गए, क्योंकि उनको मालूम था कि कोर्ट भी ऑर्डर करेगा तो 12-1 बजी जाएगा और ऑर्डर वो निकलेगा, ऑर्डर पहुंचेगा और ऑर्डर में मतलब पब्लिश होगा ये सब कुछ। तो ये कोर्ट को भी धता बताने की एक साजिश है, यानी कि व्हेन द पर्सन वांट टू गेट द लीगल एक्सेस और द जुडिशियल एक्सेस, बिफोर गेटिंग द जुडिशियल एक्सेस द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टेकन एन एक्शन। सो दिस एक्शन इज नॉट ओनली अगेंस्ट द कंगना रनावत प्रॉपर्टी, दिस एक्शन वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द कोर्ट्स सिस्टम एंड इट इज क्वेश्चनिंग द कोर्ट्स सिस्टम। ये न्यायालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है, लगा दिया गया है कि आपके पास भी अगर एक्सेस होगा और उसके बीच में मेरे पास टाइम है तो हम टेक्निकली खेल जाएंगे और आपको भी धता बता देंगे। सो इट्स नॉट अ सिंपल केस, इट्स अ केस वेयर वी हैव टू एस्टैब्लिश द वैल्यू ऑफ द कोर्ट
और ये कोई छोटा कोर्ट नहीं था, दैट वॉज इन हाई कोर्ट, उनके पास लॉर्डशिप होती है और वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को भी टेक्निकलिटी में कैसे पीछे पछाड़ दिया जाए कि कोर्ट कुछ कहे उससे पहले हम पता नहीं क्या कर देंगे रात में। सो आई थिंक दैट व्हेन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज ए नॉलेज दैट द पर्सन हैज बीन गॉन टू द कोर्ट एंड इवन दो दे आर डिस्ट्रॉइंग द प्रॉपर्टी, दैट इज ऑल्सो द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये भी कोर्ट के कंटेम्प्ट में आना चाहिए। कोर्ट में मामला एक्सेस है, कोर्ट के पास मामला संज्ञान में है, कोर्ट की रजिस्ट्री में वो जमा हो चुका है, उसके बावजूद शाम तक इंतजार करने के बजाय, 24 घंटे का भी टाइम देने के बजाय उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ताकि उनको मालूम था कि कोर्ट तो इस पर रिलीफ दे ही देगा और स्टे दे ही देगा, इसलिए कोर्ट को भी साइड में दिखाया जाए और कोर्ट को भी आईना दिखा दिया जाए। सो इन दैट मैनर दे डिड द वर्क। सो मुझे लगता है कि इसको भी प्री कंटेम्प्ट कोर्ट की तरह कोर्ट को लेना चाहिए, और जो जो इसके प्लीडर्स हैं, द प्लीडर्स हैज टू प्लीड बिफोर द कोर्ट दैट इट इज नॉट एन ओनली द डेमोलिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, इट इज ऑल्सो द प्री कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्शन बाई द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो हु एवर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मस्ट बी गो बिहाइंड द बार्स। इस पर विचार करना पड़ेगा, इस लाइन ऑफ एक्शन पर जाना पड़ेगा। लेकिन शुभकामना देता हूं कंगना रनावत को कि वो इतनी बड़ी लड़ाई में उतरी हैं और पूरी सरकार से लड़ रही हैं, अकेली लड़ रही हैं, हमारे जैसे लोग उनके लिए उनके साथ हैं, हमारी कभी आवश्यकता पड़ती है तो वी विल सपोर्ट हर फ्री ऑफ कॉस्ट, वी विल सपोर्ट हर इन एनी सर्कमस्टांस, विल सपोर्ट हर। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।